सभी बच्चों को मेरा ढेर सारा प्यार आज मैं आपको एक बहुत मज़ेदार चीज़ बताने वाली हूँ जो कि हमारी जिंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है मैं आपको बताने वाली हूँ टेबल मैनस टेबल मैनस क्या होता है टेबल मैनस वो होता है जब हम खाना खाते हैं तो हमको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है वेन वी आर सिटिंग टूगेदर एंड eating together we have to remember few things whether we are sitting and eating at home or we are going for a party but why we have to remember all these things it's important children otherwise people will say ill mannered you don't like to listen all these things na so aapko in baaton ko yaad rakhna right okay तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है जब हम जाते हैं कहीं पर भी बाहर खाना खाने के लिए वेन यू आर सिटिंग एंड वेटिंग फॉर द डिनर और वेटिंग फॉर द लंच यू शुड सिट क्वाइटली आपको चुप से बैठना चाहिए खाने के टेबल पे मस्ती नहीं करनी चाहिए राइट सेकेंड इंपॉर्टेंट बात जब खाना आता है तो उससे पहले आपको अपने हाथ धो लेने चाहिए क्यों धोना चाहिए हाथों में हमारे बहुत सारे जर्म्स होते हैं हम लोग सबसे हाथ मिलाते हैं और हम बाहर से आए होते हैं तो हमारे हाथ डर्टी हो जाते हैं बिफोर फूड एंड आफ्टर फूड यू हैव टू वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली राइट नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात खाना शुरू करने से पहले यूज द नैपकिन ऑलवेज यूज योर नैपकिन बिफोर स्टार्टिंग योर फूड क्यों करना है इसलिए कि अगर खाना गिर जाता है तो आपके कपड़े नहीं गंदे होंगे और ये नैपकिन सिर्फ आपके थोड़ा सा लिप साफ करने के लिए होते हैं डोंट मेक ए डर्टी ओके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात जब खाना आता है तो आपको ने कूदनी पड़ना चाहिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात जब हम खाना खाते तो हमको मुंह बंद करके खाना चाहिए हमारे मुंह से छबड़ छबड़ की आवाज़ नहीं आनी चाहिए वी शुड क्लोज आर माउथ एंड देन ईट इट वी शुड नॉट मेक एनी नॉइज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात रिमेंबर Three magic words always. Thank you. Please. Sorry. Akarmalij. aap se kuch. By mistake jata hai. You should say sorry. In case anything spill on your table. Don't forget to say sorry. And if you want anything, say please pass on this thing. Don't Try to jump on that thing. Don't disturb others. अगर कोई आपकी help करता है always say thank you. If anybody helps you, यू हमको उसको धन्यवाद देना चाहिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग नेवर वेस्ट योर फूड अपनी प्लेट में उतना ही खाना लीजिए जितना आप खा सकते हैं यू टेक ओनली दैट मच फूड हाउ मच यू कैन ईट नेवर वेस्ट योर फूड देर इज अंग इफ यू रेस्पेक्ट द फूड फूड विल रेस्पेक्ट यू कहते हैं अगर आप खाने की इज्जत करिएगा खाना आपकी इज्जत करेगा सो यू हैव टू रिमेम्बर ऑल दीज थिंग्स नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात जैसे कि हम बाहर जाते हैं तो हमको स्पून का हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए हमारी फिंगर्स गंदी नहीं होनी चाहिए यू शुड नॉट मेक योर हैंड्स डर्टी योर ब्रेस डर्टी एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग शुड टेक अ स्मॉल बाइट छोटा ने वाला खाना चाहिए जितना कि आपके मुंह में आ जाए एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग वेन यू गो टू अ रेस्टोरेंट यू कैन सी सो मैनी फोक्स नाइफ स्पूस डिफरेंट डिफरेंट साइज एंड इनकेस इफ एनी थिंगल डाउन डोंट यूज इट अगेन से सॉरी एंड आस्क फोर अनादर स्पून अगर आपसे कुछ गिर जाता है कोई स्पून या फोक गिर जाता है उसको उठा के इस्तेमाल मत करिएगा आप रिक्वेस्ट करिए कि आपको दूसरा स्पून दे दिया जाए बच्चों एन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जब आप घर में खाना खाते हो तो यू शुड नॉट सिट इन फ्रंट ऑफ अ टी और ना ही आपको टेबल पे अपना मोबाइल लेके बैठना चाहिए खाने की प्लेस जहाँ होती है यू शुड ईट देयर ओनली आई वॉन्ट से वन यू आर ईटिंग ऑलवेज ईट एट योर डाइनिंग टेबल नेवर सेट इन फ्रंट ऑफ द टी वी एंड नेवर यूज़ द मोबाइल फोन ऑन योर डाइनिंग टेबल ओके एक और बात बहुत इम्पोर्टेंट बच्चों जब आपका खाना ख़त्म हो जाता है तो आपको उठ नहीं जाना चाहिए आपको सबका वेट करना चाहिए इस्पेली जो हमारा होस्ट होता है जिसने हमको डिनर पर बुलाया है उसका जब सबका खाना खत्म हो जाए तभी आपको एक साथ टेबल से उठना चाहिए तो ये कुछ थोड़े से मैनर्स होते हैं अगर आप अच्छे से रहेंगे तो लोग आपकी बहुत तारीफ करेंगे कहेंगे कितना अच्छा बच्चा है हाउ कल्चर दे विस फ्रॉम विच स्कूल यू आर सो यू फील गुड अबाउट इट राइट ना सो नाउ यू रिमेंबर All these things. Okay. Bye. Be a good student and a well mannered child.